हूं मैं अकाल तख्त साहब से पेश होने तो बाद हूं मैं किसी दुनियावी कमेटी सामने पेश नहीं होना। प्रशासनिक कमेटी इंतजार करेगी कि हुण उन्हां ते है कि उन्हां ने पेश होना है नहीं होना। जदों दो कदम पिछे हटन नाल कौम दा और लोकां दा वड्डा भला हो सके। बादल परिवार नूं अकाली दल दी लीडरशिप तो पछां हटन दी नसीहत दे रहे जगमीत बराड़ ने अनुशासनी कमेटी सामने पेश होने तो कोरा इनकार कर दिता है। बीबी जगीर कौर तो बाद हुण जगमीत बराड़ भी आकड़ दिखा रहे ने। पहला 6 दिसंबर ते फिर 10 दिसंबर नूं अकाली दल दी अनुशासनी कमेटी ने पक्ष पेश करन दे लई जगमीत बराड़ नूं नोटिस भेजा सी, पर एबीपी सांझा नाल खास गलबात दे दौरान बराड़ ने कमेटी सामने पेश होने तो सिद्धी ना कर दिती है। हुण मैं अकाल तख्त साहब ते पेश होने तो बाद हुण मैं किसी दुनियावी कमेटी सामने पेश नहीं होना। एदे विच 5-4 अकाली दल दे डिफरेंट सैक्शन और जेड़े सुधार लेना चाहुंदे है, रिफॉर्म्स लेना चाहुंदे है, अकाली दल दी बढ़ोतरी खेतरी पार्टी वजो देखना चाहुंदे है, वो सारे आगू शामिल ने। जगमीत बराड़ ने भावे इनकार कर दिता है, पर अनुशासनी कमेटी 10 दिसंबर नूं उन्हां दा इंतजार करेगी। अनुशासनी कमेटी इंतजार करेगी, ये हुण उन्हां ते है कि उन्हां ने पेश होना है नहीं होना, क्योंकि ये जो मसला है ये पार्टी का अंदरूनी मसला। श्री अकाल तख्त साहब सारी कौम का साझा बहुत वड्डा साडा सब तो उच्चा श्रेष्ठ स्थान है, इस करके वो तो सारी कौम का ही साझा, पर यह जो उन्हों का मसला है ये पार्टी की अनुशासनी कमेटी का। जगमीत बराड़ ने सुखबीर सिंह बादल दी सहमति दे बिना यूनिटी कमेटी बनाई है, जिस दे विच बीबी जगीर कौर, आदेश प्रताप कैरों, रतन सिंह अजनाला ते सुच्चा सिंह छोटेपुर सने कई लीडरां नूं शामिल कीता गया है। कमेटी दी 9 दिसंबर नूं बैठक भी चंडीगढ़ च बुलाई गई है। इसे कमेटी ते एतराज जताउंदे होए पार्टी विरोधी गतिविधियां दे इल्जाम ला के अकाली दल दी अनुशासनी कमेटी ने चिट्ठी भेज के जवाब मंगिया सी, पर जगमीत बराड़ जवाब देन दे मूड च नहीं ने। हालांकि बादल परिवार नूं लीडरशिप तो 2 कदम पिछे हटन दी नसीहत जरूर दे रहे ने। इलेक्टोरल विक्ट्रीज या ओंदियां जित्तां हुंदियां या हारां हुंदियां तां उस तों बाद पार्टी समीक्षा करदी है, लीडरशिप त्याग करदी है, कुछ समय लई पिछे हुंदी है और उहदे नाल मौका मिलदा है नौजवान पीढ़ी नूं जिहड़े वेटिंग इन विंग्स हुंदे आ लीडरशिप लई। ते जे तुसीं खड़ौत ही लै आओ कि 55 वरे बहुत लंबा अरसा है, बड़ी वड्डी सेवा है, कोई मैं उन्हां दी नुक्ता चीनी नहीं करदा, बड़ा लंबा अरसा सा प्रकाश सिंह बादल जिहड़े आ उह लीडर रहे ने, पर नाल दी नाल मैं समझदा कोई वक्त आ जांदा है जदों 2 कदम पिछे हटन नाल कौम दा और लोकां दा वड्डा भला हो सकदा। जगमीत बराड़ भावे अकाली दल च बदला दी गल कर रहे ने, पर बीबी जगीर कौर दी तरह बराड़ भी यही कह रहे ने कि वो अकाली दल दा हिस्सा रहणगे। जगमीत बराड़ ने जो यूनिटी कमेटी बनाई है उस तो हालांकि कई लोगों ने खुद नूं वख भी कर लिया। कमेटी तो किनारा करन वाले पिछे भी बराड़ ने लीडरशिप दा प्रेशर ही दस्या है। 80% जिहड़े मैंबर साहिबान ने उह सारे कायम ने, 1-2 व्यक्तियां दे उत्ते बहुत वड्डा प्रेशर पाया गया और उन्होंने भी वॉलंटेरली विदड्रॉ किया हैगा, तो हालांकि वो चाहते सी सारे कि आप एक मंच से एकत्र होइए, लेकिन इंटरनल प्रेशर करके डिसिप्लिनरी एक्शन करके कुछ गल्लां जिहड़ियां कई बार हो जांदियां। इत्थे लगातार सीधे सवाल पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल दी अगवाई ते ने, नतीजा एक एक करके कई लीडर श्रोमणी अकाली दल तो दूर हो चुके ने। सुखबीर सिंह बादल 2008 तो लगातार पार्टी दे प्रधान ने, पर 2017 दीआं चोणां दे नतीजे तो बाद लगातार उन्हां दी लीडरशिप ते सवाल उठते रहे ने। 2017 च 15 सीटां ते सिमटी अकाली दल दे उस वेले दे सीनियर लीडरां ने सवाल खड़े कीते। इन्हां चों ढींसा प्यो पुत्तर ने तां पार्टी ही छड्ड दित्ती सी। रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा भावें मुड़ श्रोमणी अकाली दल च शामिल हो गए, पर ओह खामोशी ने। एक नाम सेवा सिंह सेखवां दा वी सी। सीनियर लीडरां ने प्रधानगी ते लगातार अटैक कीता, पर सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानगी ना छड्डी। विरोध जारी रहा, पर सुखबीर सिंह बादल दी जिद वी जारी रही। 2022 दे इलेक्शन च पार्टी दी हालत होर माड़ी हुई। ना सिर्फ पार्टी दे सारे वड्डे चेहरे हार गए, सगो सुखबीर सिंह बादल भी हारे। पार्टी 3 सीटां ते सिमट गई। नतीजा तो बाद सुखबीर सिंह बादल दे खिलाफ मोर्चा होर खुल गया। पहला पार्टी दे ही विधायक मनप्रीत याली, उस तो बाद जगीर कौर ते हुण जगमीत बराड़। पार्टी दे अंदर उठदियां ए बागी सुरां सुखबीर बादल दे लई फिकर वधाउण वालियां ने, क्योंकि खराब प्रदर्शन दे नाल नाल पार्टी दी फुट नूं संभालना चैलेंज बन गया।